कनेक्शन में आप सबको बुलाया है कि हम आपको प्रशासन का वर्जन भी इस बारे में बता दें, क्योंकि जो कृत्य वो कर रही हैं वो सीधे सीधे प्रशासन की छवि को भी धूमिल करता है। इसमें जो इशू है वो ये है कि शिवानी हमारे यहाँ कोई एक संस्था, उन्होंने महिला कल्याण संस्था बना रखी है जिसकी वो अपने आप को अध्यक्षा कहती है। इस संस्था को कोई कहीं से भी कोई ऑथराइजेशन प्राप्त नहीं है, ये कोई रिकॉग्नाइज्ड संस्था नहीं है। मेरे पास एक हमारा जीएम इंस्पेक्शन होने वाला था, उस दिन हम लोग दो दिन पहले कुछ तैयारी कर रहे थे अपने जीएम इंस्पेक्शन की, तो सडनली मुझे कॉरिडोर में काफ़ी शोर शराबे की आवाज़ सुनाई थी, तो मैंने उन्हें बुलाया, मैंने पूछा क्या हो रहा है, क्यों शोर हो रहा है। तो मुझे बताया गया कि आप शिवानी जी कुछ शोर कर रही हैं। उन्हें मैंने बुलाया कि पूछा उनसे क्या बात है, तो उन्होंने ये कहा कि साहब हमें जो डीसीएम साहब हैं वो देखिए जो एमपीज के रेफरेंस वाली चिट्ठियाँ हैं उसके सारे पेजेस में हमें साइन करने के लिए कह रहे हैं। तो मैंने कहा उसमें दिक्कत क्या है, पोजीशन आपने बनाई है? तो उन्होंने कहा हमने बनाई है। मैंने कहा अगर आपने पोजीशन बनाई है तो आपको साइन करने में क्या तकलीफ है इसमें, क्योंकि ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। जीएम इंस्पेक्शन में सभी जगह एमपी एमएलए मिलते हैं और वो अपने दिए हुए पत्रों के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो इस जानकारी पे जो हम जीएम को प्रस्तुत कर रहे हैं उनको डबली श्योर होना चाहिए कि जो दिया जा रहा है वो सही दिया जा रहा है। तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपको उसको इतना बड़ा इशू बनाए कि आप साइन ना करें। तो ये सुन के फिर वो चली गई, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन यहाँ काफी लोगों को इकट्ठा किया गया, वो मुझे जब बताया गया, मुझे डीसीएम ने फिर रिटन में कंप्लेन दी कि इन्होंने इस तरह से मेरे साथ आके बदतमीजी की और दरवाजा खोल के, मेरे कमरे का दरवाजा खोल कर सब लोगों को इकट्ठा किया। उस कंप्लेंट को मैंने यहाँ पर निष्पक्ष जांच कराने के लिए, आई डिड नॉट गिव इट टू सीनियर डीसीएम, उन्हीं के डिपार्टमेंट के हेड को नहीं दिया, निष्पक्ष जांच कराई जो हमारे सीनियर डीटीओ हैं, कार्मिक अधिकारी हैं, उनसे। हालांकि सीनियर डीसीएम साहब ने रिक्वेस्ट किया था कि हम किसी सीनियर ईडीपीएम से या किसी लेडी ऑफिसर से जांच करा लें, तो उन्होंने क्योंकि नाम लिख के दिया था तो मैंने इतना भी ध्यान रखा कि अगर मैं उनके नाम दिए हुए अधिकारी से जांच कराऊंगी तो कल को शिवानी ये ना कहें कि आपने तो पहले ही फैसला दे दिया। इसलिए मैंने निष्पक्ष रूप से जांच कराने के लिए जो कार्मिक अधिकारी हैं, जिनका ये कार्य है, जो सारे एम्प्लॉय से रिलेटेड समस्याओं को देखते हैं, उन्हें इसका जांच अधिकारी नियुक्त किया। उन्होंने सारी जांच की, इनको भी उस जांच में बुलाया गया, इन्होंने अपना वर्जन उसमें दिया। उस सारी जांच करने के बाद उन्होंने अपनी संस्तुति मुझे प्रस्तुत की और उसमें पूरे डिटेल में देखने के बाद, उनकी फाइल की नोटिस वगैरह सब देखने के बाद, ये डिसीजन, क्योंकि एक्सेप्टिंग अथॉरिटी मैं थी, उस पर डिसीजन मैंने दिया कि इन्होंने ये पाया गया है, इससे धोखा है इनके अगेंस्ट, इन्होंने अपने अधिकारी से, उच्च अधिकारी से बदतमीजी की और उनका आदेश मानने से इनकार किया और उसको लेकर इशू बनाया, सारे ऑफिस का माहौल खराब किया। तो इसलिए इनको हमने जो हमारा SF-11 होता है, जैसे माइनर पेनल्टी हम कहते हैं, वो दिया और इनका ट्रांसफर कमर्शियल से हमने पीआर ऑफिस में कर दिया। अब इसको लेकर इन्होंने इशू बनाना शुरू कर दिया, इन्होंने उसको हमारी जो इंटरनल सेक्शुअल हैरेसमेंट कमेटी है उसको एक कंप्लेन दी कि हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है। जो जांच समिति है, जो सेक्शुअल हैरेसमेंट में हमारी इंटरनल कमेटी है, उसमें दो महिला अधिकारी हैं, एक आउटसाइडर एनजीओ मेंबर हैं जो कि महिला हैं, और दो पुरुष अधिकारी हैं। तो 5 सदस्यों की समिति है। जिस समिति ने भी इनको बुलाया, इनका बयान लिया, और वो बयान लेने के बाद उस समिति ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि महिला उत्पीड़न जैसी कोई बात साबित नहीं होती है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, ये एक प्रशासनिक मामला है, और वो बार बार ये कहे जा रही थी कि डीसीएम साहब का ट्रांसफर करते हैं। तो वो इस इतने बड़े जो आप लोगों को एक फैसिलिटी महिलाओं को दी गई है, उसका अगर मिसयूज किया जाए, तो उस समिति ने भी ये रिकमेंडेशन दिया कि ऐसे लोगों को के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये इस तरह के अधिकार का दुरुपयोग और इसमें अननेसेसरी किसी को डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। तो उसकी रिपोर्ट, क्योंकि हम ऑलरेडी डीसीएम साहब की रिपोर्ट पर इनको पनिश कर चुके थे, इसलिए हमने उसको फाइल कर दिया, उसमें हमने दोबारा कोई और एक्शन नहीं लिया। लेकिन अब उसके बाद ये प्रशासन की जांच से भी किसी तरह से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि एक उन्होंने अपना मन बना लिया है कि नहीं, हमको डीसीएम का ट्रांसफर कराना है तो कराना। उसके बाद एक बार भी रिपोर्ट को लेकर करने की कोई परेशानी थी, कुछ थी, एक बार भी हमारे पास नहीं आई। अच्छा, प्रशासन डीआरएम पे खत्म नहीं होता है, प्रशासनिक चैनल्स और भी हैं, जीएम है, सीपीओ है, सीसीएम है, रेलवे बोर्ड है, उसके बाद कोर्ट भी।
लेकिन जो भी प्रशासनिक चैनल्स उपलब्ध थी उन प्रशासनिक चैनल्स को एग्जॉस्ट किए बगैर अनधिकृत रूप से जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो लोगों को बुलाया और उनके अपने चैनल को बताना शुरू कर दिया कि अब हमारे साथ हमारी जान को खतरा है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना। इन्होंने कहा इनकी प्रज्यूम कर रहे हैं कि इन पर जानलेवा हमला डीसीएम ने कराया, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना, उसकी जाँच पुलिस कर रही है, पुलिस अपनी रिपोर्ट देगी जिस पर बात की जाए। लेकिन जो ये प्रशासन की छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है ये कह के कि इनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, मैं उस पर अपने कमेंट दे रही हूँ कि प्रशासन ने इन्हें पूरा मौका दिया, हर जांच में इन्हें बुलाया गया, इनके स्टेटमेंट लिए गए और उसके बेसिस पे जो जांच समिति है उसने अपनी रिपोर्ट दी है जिसके बेसिस पे इनके अगेंस्ट एक्शन लिया गया है। जो ये लगा रही है एलिगेशन, प्रशासनिक तौर पर जो एलिगेशन लगा रही है उत्पीड़न के, वो सरासर मिथ्या पाए गए, उनमें कोई तथ्य नहीं। तो जो ये कर रही हैं अभी आज की तारीख में, ये सिख पर हैं, सिख होने के बाद किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कन्वीन कर रही हैं, ये सीधे सीधे इनके ऊपर एक डिसिप्लिनरी एक्शन का मामला बनता है। और अब जिस तरह किसे ये प्रशासन के अगेंस्ट ऊपर निकल के आ रही हैं और एक अपने तरीके से अपनी चैनल्स को यूज करते हुए, महिला संगठनों को इस्तेमाल करते हुए कोशिश कर रही हैं कि हमारे प्रशासन को बदनाम किया जाए कि इनकी बात प्रशासन सुन नहीं रहा है, वो गलत है। तो मैं आज आप लोगों को बुला के बताने का पर्पज मेरा यही था। और मुझे उन महिला संगठनों से भी ये रिक्वेस्ट करनी है कि वो एक पक्षीय फैसला ना करें। महिला संगठन की सभी जो सदस्याएं हैं वो महिला हैं, उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि इस मंडल की मुखिया एक महिला है। मुझे बहुत तकलीफ इस बात से पहुंची कि किसी महिला संस्था की सदस्य ने ना तो मुझसे बात करने की कोशिश की, ना सच्चाई जानने की कोशिश की, ना हमारा वर्जन लेने की कोशिश की, बस एक पक्ष की बात सुनकर पूरा मन बना लिया पूरा, और उसको पूरा सब जगह पब्लिसाइज करना शुरू।